एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नौशहरा पहुंची एसटी फॉर्म की धन्यवाद यात्रा, फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा और व्यवसायियों ने स्वागत किया है। कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। कई तरह के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और फूल मालाओं से ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा और व्यापारियों ने स्वागत किया है। कई तरह के फूलों से सजावट यहाँ पर की गई है। नौशहरा पहुंची है एसटी की टीम। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से इनका जोरदार स्वागत किया गया है। फूल मालाएं और ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत किया गया है। कई तरह के कार्यक्रम का जोरदार आयोजन किया गया है। धन्यवाद यात्रा निकाली और 30 के 30 ब्लॉक फर्स्ट फेज में हमने राजौरी पूंछ के कवर किए। धन्यवाद यात्रा इसीलिए है कि भारत सरकार ने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो पहाड़ियों की दरीना डिमांड थी एसटी, उसे हरी झंडी दिखा दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने दबी कुचली पहाड़ी जनता के बारे में सोचा, पहाड़ी कबीले के बारे में सोचा, बॉर्डर में रहने वाले इन लोगों के बारे में सोचा। कितने दुख दर्द से ये लोग रहते हैं, ना यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर, ना कोई प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद भी ये लोग खड़े हैं देश का झंडा उठाए हुए। तो हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते थे और नौशहरा की जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया। हाँ, मेरा नाम एहसान मिर्ज़ा है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। देखिए, जैसे विक्रांत जी ने आपको डिटेल में ही बताया कि धन्यवाद यात्रा कब निकली, कहाँ से निकली, मकसद क्या है, देखिए जो इन्होंने डिस्कस किया उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हम एटलीस्ट डिफरेंट इलाकों में जाके ये भी देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतना बड़ा एहसान करने जा रही है पहाड़ियों के ऊपर, क्या हमारे पहाड़ियों को उस एहसान का, या जो इतना बड़ा एहसान हम पे करने जा रहे हैं, क्या उसका पता भी है